हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मगध विश्वविद्यालय बोधगया MU यानी कि मगध यूनिवर्सिटी के वैसे स्टूडेंट जिनका एडमिशन 2018 से 21 BA BSc या BCOM में एडमिशन है, वो लोग के लिए फॉर्म का डेट, एग्जामिनेशन फॉर्म जो भराता है, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो उन लोग के लिए एडमिशन का फॉर्म का डेट निकल चुका है। चलिए ये नोटिफिकेशन है, आपको दिखा देते हैं। लिखा हुआ है मगध विश्वविद्यालय बोधगया प्रधानाचार्य महोदय, किस विषय में, तो यहाँ पर यह स्नातक प्रथम खंड परीक्षा 2019 के ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र जमा करने के संबंध में। इसमें बोला गया है कि 2019 आपका जो खंड होगा 18-21 भले सेशन है, लेकिन पहला बार जो सेशन होगा ना वो 2019 में एग्ज़ाम होगा। हालांकि ये भले आपको जनवरी तक एग्ज़ाम होने का चांस है, तो ये प्रथम खंड परीक्षा 2019 के परीक्षा प्रपत्र जमा करने हेतु ऑनलाइन की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। यह यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। तो इसमें बोल रहा है कि कोई भी छात्र छात्रा अपनी जहाँ पे संस्थान जिस कॉलेज में एडमिशन होगा वहाँ पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, या फिर एक लिंक दिया हुआ है विश्वविद्यालय का साइट www.magadhuniversity.ac.in पर दिया गया लिंक पर URL करके अपना ऑनलाइन का प्रयोग भर सकते हैं। क्योंकि अब जो भी फॉर्म भरेंगे भराएगा या फिर एडमिशन होगा आपका, तो सभी ऑनलाइन हो गए हैं। तो इसमें आप लिंक दिया गया है, उससे बेहतर है कि आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उसमें आप जाकर संपर्क करें। परीक्षा प्रपत्र भरने के संबंध में विश्वविद्यालय का वेबसाइट से प्राप्त करेंगे। यानी कि पहले होता था कि जो भी कॉलेज में आपका एडमिशन है ना, वहाँ से लोग आपको डॉक्यूमेंट्स जो भरते थे, आप लोग फॉर्म भरे जाते थे, उसको यूनिवर्सिटी लेकर जाते थे वहाँ के टीचर या कुलपति या फिर कर्मचारी। लेकिन अब ऐसे नहीं होंगे, ये यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो भी आप यहाँ से भरेंगे तो कॉलेज के जो कर्मचारीगण होंगे वो डायरेक्ट उनको ऑनलाइन करेंगे आपके फॉर्म को। और फिर लिखा हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कि दिनांक 12/12/12 से 19/12 तक विलम्ब शुल्क के साथ 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक आवेदन भरा जा सकता है। इसलिए दोस्त, आप 12 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में आप कॉलेज में जाकर, अपने अपने कॉलेज में जाकर एडमिशन फॉर्म भर दीजिए, और भरने के तुरंत 15-20 दिन के अंदर में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ये मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम अपने तरफ से बता रहे हैं जहाँ तक उम्मीद है। उसके बाद क्रमशः जनवरी में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी फर्स्ट ईयर की। तो ये 12 तारीख से लेकर 19 तारीख तक आपका भराएगा बिना विलंब के, और 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक। छात्र द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा कि ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र करने का पश्चात रसीद की क्रम संख्या 3 के अनुसार निर्धारित तिथि में रूप महाविद्यालय में परीक्षा प्रपत्र का शुल्क जमा करेंगे। यानी कि कोई भी आप शुल्क देंगे ना, उसका रसीद जो मिलेगा कॉलेज से उसको रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है, वो कभी भी मांगा जा सकता है। संबंधित छात्र छात्राएं कार्यालय अभिलेख में परीक्षा शुल्क है तो ऑनलाइन प्राप्ति रसीद माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। यानी कि आपको परीक्षा जो शुल्क जमा करेंगे ना, वो कॉलेज से प्राप्त एक सीट आएगा उसमें आपको भरना होगा, यानी कि उसके थ्रू आपको पेमेंट करना होगा। आप कॉलेज में जाएंगे तो सारी चीज़ें पता हो जाएगा। फिर एक मेंशन किया गया कि सभी महाविद्यालय यानी कॉलेज को ये दिया गया है मेंशन कि 5 तारीख तक जो भी आपका फॉर्म होगा वो उनको ऑनलाइन कर देने का डेट दिया गया है। ये 5/1/2020 उन लोगों के लिए है जो किसी कॉलेज के कर्मचारी हैं, ताकि आपके फॉर्म को 23 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में, वो लोग का काम है कि विश्वविद्यालय की जो साइट है वो लोग का ऑनलाइन कर देने का डेट दिया हुआ है। और फिर नीचे दिया हुआ है कि आप किस किस पोर्टल पे, जैसे मगध यूनिवर्सिटी के होम पेज है, फिर पार्ट वन के रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। मतलब कि ऑनलाइन प्रोसेस दिया गया है नीचे तक कि आप कैसे कैसे अपने फॉर्म को भर सकते हैं, सारे डिटेल्स भरना होगा। उसके बाद कोई भी पेमेंट करनी होगी, फिर फ़ोटो अपलोड करनी होगी, इतनी सारी चीज़ें करना होगा। और यहाँ पर नेम, एड्रेस प्रूफ, ये सब सारी चीज़ें करना होगा। तो ये सब दोस्त कॉलेज का काम है, मेन आपका काम है कॉलेज में जाकर और भी अच्छी जानकारी ले लीजिए। मेरी काम यही थी कि जो भी कॉलेज से नोटिफिकेशन आए आप तक पहुंचाने का। तो
आप बेहिचक कॉलेज जाइए और 12 से लेकर 19 तक के बीच में आप अपना फॉर्म भर दीजिए, फिर एडमिट कार्ड आएगा, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। फिर इसके लिए थैंक यू।